सभी किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। मैं हूं पुष्पेंद्र जाट और आप देख रहे हैं इंडियन एग्रीटेक गुरु चैनल पर खेतीबाड़ी के नेठाट। किसान भाइयों, आप सभी को पता ही है कि आजकल जो है मशीनगिरी की हमारे जो छोटे किसान भाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा किल्लत होती है, क्योंकि जैसे हम मान के चलो कई बार क्या होता है, गेहूँ धान की कुटाई करनी होती है, निकासी करनी होती है, तो हमें थ्रेसर वगैरह नहीं मिल पाते हैं। तो मेरे किसान भाइयों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक कंपनी है जो छिब्बर एग्री इक्विपमेंट जो काम कर रही है कि हमारे जो छोटे किसान हैं उनको सेल्फ डिपेंड बनाने में। दोस्तों, ऐसे कैसे सेल्फ डिपेंड बना रही है कंपनी, आइए हम मिलते हैं पारुल जी से जो कि कंपनी के ओनर हैं छिब्बर एग्री इक्विपमेंट कंपनी के, और उनसे पूरी जानकारी लेते हैं कि कैसे हमारे किसान भाई जो छोटे किसान भाई हैं वो सेल्फ डिपेंड बन सकते हैं। तो मिलते हैं, चलिए वीडियो शुरू करते हैं, जानते हैं। आपका हमारे इंडियन एग्रीटेक गुरु चैनल में स्वागत है जी। वेलकम आपका भी पुष्पेंद्र भाई। आप मेरे छोटे भाइयों जी, जो स्पेशल आप कोटकपूरा में आए हैं जी, और जो आने वाला समय है वो थ्रेशर का है जी, क्योंकि अभी अगर मैं बात करूँ धान की फसल की कटाई हो रही है, वहाँ पर हमें थ्रेशर की बहुत ज़रूरत है। और आज मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूं तीन प्रकार के थ्रेशर। तो सर, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आप चलो बड़े किसान भाई हैं, वो तो हमारे चलो सेल्फ डिपेंड हैं, उनके पास में तो सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन आप आज जो हमारे किसान भाइयों के लिए मशीन लेके आए तो उनको सेल्फ डिपेंड बनाने का जो विचार आपके मन में कहाँ से आया सर? देखो जी, मेरा तो पुष्पेंद्र भाई कहना ये है कि बड़े बड़े किसानों के लिए तो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जी, लेकिन हमने हमेशा ही छिब्बर एग्री इक्विपमेंट्स ने टारगेट किया है और फोकस किया है स्मॉल फार्मर को लेकर के, जिसके साथ वो कम इन्वेस्टमेंट में ऐसी मशीनें ले सकें जिसके साथ वो अपना भी काम कर सकें और लोगों का काम किराए पे करके बहुत अच्छी आमदनी वो कमा सकें। तो मेरे किसान भाइयों, आप सभी को पता ही है कि पारुल जी नए नए इनोवेशन करते रहते हैं, और साथ के साथ उद्देश्य ये रहता है कि छोटे किसान भाइयों का टाइम से काम हो। तो अभी आज हमारी वीडियो के माध्यम से तीन तरीके की थ्रेसर दिखाने वाले हैं, ये हमारे छोटे किसान भाइयों को कैसे फ़ायदा देने वाली हैं, हमारे किसान भाई छोटे किसान भाई भी कुछ इनकम इनसे जनरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो पारुल जी से मिलते हैं। तो पारुल जी, इनसे जो आप हमारे किसान भाइयों को पहले तो ये बताइए कौन कौन सी आप थ्रेसर दिखाने वाले हो? मैं आज आपको दिखाऊंगा जी, सबसे पहले तो कॉर्न थ्रेशर जी, जी मतलब भुट्टे वाला थ्रेशर जी, हमारे पंजाबी में बोला जाता है छल्ली या भुट्टा बोला जाता है। तो भुट्टा आपने डालना है एक हॉपर में जी, जी, और जी। यहाँ से आपने भुट्टा डालना है जी, आप ही हॉपर के अंदर भुट्टा डालेंगे जी, और इसके अंदर आपका भुट्टा जाएगा और यहाँ से आपकी जी गुठली बाहर आ जाएगी और आपके जो साफ दाने हैं वो यहाँ से आपके बाहर आएंगे। तो सर, एक ही क्वालिटी में सफाई करता है या फिर एक दो और क्वालिटी बनती है? बिल्कुल जी, स्पीड के लिए आपकी ये एडजस्टमेंट लगी होती है, गियर सिस्टम आप ये देख सकते हैं। अच्छा, हाई लो स्पीड है इसमें ऑप्शन दिया हुआ है? बिल्कुल है पुष्पेंद्र भाई, बिल्कुल है जी। अब बात करते हैं सर इसके प्रोडक्शन के बारे में, जो हम भुट्टा डालेंगे तो एक घंटे में जो प्रोडक्शन होगा वो कितना होगा? प्रोडक्शन 500 से लेके 550 किलो एक घंटे की आती है जी। जी जी, तो आप बात करते हैं सर, ये हमारे किसान भाई इसको कैसे चला पाएंगे, ट्रैक्टर से या मोटर से या इलेक्ट्रिक बिजली वाली मोटर के साथ, इलेक्ट्रिक मोटर के साथ? इसके अंदर जो हमने मोटर यूज़ करी है वो कॉपर वाइंडिंग की है, सिलिकॉन स्टैंपिंग के साथ है, और 2 HP की मोटर है जिसको आप घरेलू पावर प्लग में लगा सकते हैं। अगर आपके पास सिंगल फेस कनेक्शन है या 3 फेस कनेक्शन है, वहाँ पर आप इसे लगा करके आप अपना काम बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। बात करते हैं सर सेफ्टी के बारे में, कोई हाथ वाथ जाने का कोई खतरा नहीं? ऐसा कुछ नहीं है पुष्पेंद्र जी, बहुत ध्यान रखा है इस बात का। अब बात करते हैं सर गारंटी वारंटी की, इससे कॉर्न थ्रेसर की गारंटी वारंटी? एक साल की वारंटी है जी, वारंटी रहती है। एक साल करें प्राइस के बारे में, जो इसका प्राइस है जी 24,000 रुपया, 24,000 में ये प्रोडक्ट हम आपको देंगे इंक्लूडिंग GST एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो अब सर आपने प्राइस बता दिया, अब हमारे किसान भाइयों का क्वेश्चन ये भी निकल के आता है सर, हम जब 24,000 रुपये खर्च कर रहे हैं तो हम इससे एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, तो क्या पॉसिबल है सर? बिल्कुल पॉसिबल है जी, मेरे पास पिछले सीजन में भी बहुत लोगों ने मशीनें ली और दो से लेकर तीन हज़ार डेली का उन्होंने कमाई करी इसके साथ। अब बात करते हैं सर, ये तो हो गई आपकी कॉर्न थ्रेसर, अगली हम पैडी थ्रेसर देख पा रहे हैं जो कि हमारे भारत के कुछ ऐसे प्रांत हैं जहां पर बहुत आयत में जो है धान की फसल होती है, तो उनके लिए आप पैडी थ्रेसर लेके आए, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए आप क्या सोच कर लेके आए हैं? पुष्पेंद्र जी देखो, मैंने मार्केट में सर्वे किया, जो थ्रेशर होते हैं बड़े बड़े होते हैं या ट्रैक्टर माउंटेड होते हैं जी, जी। उनके लिए ट्रैक्टर की जरूरत होती है, और मेरे बहुत एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर साल में 2 से लेकर 3 बार अकेली पैडी की फसल होती है जी, मतलब धान की फसल होती है, तो ये एक ऐसा थ्रेशर है
जो आपका बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोडक्शन आएगी आपकी 550 से लेके 600 किलो, मतलब 6 क्विंटल इसकी प्रोडक्शन रहेगी एक घंटे की। तो सर ये ट्रैक्टर ऑपरेटेड है या इंजन ऑपरेटेड है? ये पेट्रोल इंजन ऑपरेटेड है जी। 7 HP का 4-stroke इंजन हमने लगाया है जो कि एयर कूल्ड है, और इंजन बहुत अच्छी क्वालिटी का है जो आपका सालों साल चलता है। मेरे किसान भाइयों, आप सभी को पता है जब निकासी का समय आता है उस टाइम पर हमारे किसान भाइयों को जो ट्रैक्टर माउंटेड जो पैडी थ्रेसर होती हैं वो नहीं मिल पाती हैं, और हमारे किसान भाइयों का जो है समय से काम नहीं हो पाता। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि ट्रैक्टर ना मिलने के कारण जो है उनकी फसल भी खराब हो जाती है, जैसे बारिश आ जाती है या तो लेबर, या पुष्पिंदर भाई लेबर नहीं मिल पाती जी, जी हमें हाथ के साथ ऐसे धान झाड़ना पड़ता है। तो मेरे किसान भाइयों, इस मशीन की सबसे बड़ी खास बात तो ये है कि आप जो है सिंगल मैन आदमी भी इससे काम कर सकता है। अब बात करते हैं थोड़ी इसकी क्वालिटी की, क्वालिटी कैसी रहेगी धान की हमारे की, साफ सफाई कैसी रहेगी सर? पुष्पेंद्र जी देखो, ये इसका हॉपर है जी, जी। हॉपर में सेफ्टी फीचर हमने दिया है कि ऑपरेटर का हाथ वगैरह आने का खतरा नहीं रह जाएगा। जी, 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 जी। आपने कंप्लीट आपकी प्राली यहाँ से डालनी है, और अंदर एक रोलर लगे होते हैं, वो रोलर आपकी फसल को अंदर से खींच लेंगे, उसके बाद आगे से आपका भूसा निकलेगा जी, जी, वो आप देख सकते हैं, और यहाँ से आपकी जितनी भी डस्ट है, मिट्टी धूल है, वो बाहर आ जाएगी। और इस नीचे, इसके नीचे आपने सीधा बाल्टी या बोरा लगा देना आपने, और उसके अंदर हमारा जो साफ धान आएगा सर, साफ धान जो दाने हैं आपके, वो आपके यहाँ से आएंगे। अब बात करते हैं सर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर कोई फैन वैन की इसमें सुविधा है जिससे और थोड़ा हम सफाई को अंदर एक रूटर सिस्टम हमने लगाया हुआ है जी, जो आपका मिट्टी को बाहर उड़ाएगा जी जी जी। अब बात करते हैं सर, जो इंजन इसमें दिया गया है, इंजन की क्वालिटी के बारे में, कितने HP का इसमें इंजन? 7 HP का पुष्पेंद्र भाई इंजन है, 4-stroke इंजन है और एयर कूल्ड है। किस कंपनी का है सर? हमारा जो ब्रांड है जी एक्स्ट्रा पावर। डीजल या पेट्रोल वेरिएंट सर? पेट्रोल, पेट्रोल इंजन है जी, पेट्रोल। अब बात करते हैं जैसे हमारे किसान भाई, छोटे किसान भाई काम कर रहे हैं, इसे एक घंटे में इसका फ्यूल कंजप्शन क्या रहेगा सर? जो पेट्रोल कंजम्पशन है एक घंटे का 700 से लेके 750 ml प्रति घंटा आपका पेट्रोल कंज्यूम करेगी मशीन। तो लगभग 50-60 रुपए में हमारे किसान भाई जो है 500-600 kg जो है धान की निकासी। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बोला आपने। और एक्स्ट्रा ऐसे इनकम हमारे किसान भाई करना चाहें तो कर सकते हैं क्या सर? बिल्कुल करते हैं जी लोग, बहुत अच्छी इनकम इसके साथ होती है जी। 2 से लेके 3,000 रुपया सीजन के वक्त डेली कमाया जा सकता है इस मशीन के साथ। तो सर बहुत ही शानदार मशीन है। अब बात करते हैं इसकी कोई गारंटी वारंटी और प्राइस के बारे में। प्राइस जो पुष्पेंद्र जी है 45,000 रुपया है, 45,000, और एक साल की फुल वारंटी हम कवर करेंगे। अब सर ये तो आपने कॉर्न थ्रेसर और पैडी थ्रेसर दिखा दी, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सारी फसलें होती हैं। बिल्कुल जी। तो हमारे किसान भाइयों को मल्टी क्रॉप जो है थ्रेसर की ज़रूरत है, तो क्या आपके पास मल्टी क्रॉप थ्रेसर भी मिलेगी? बिल्कुल जी, आप देख सकते हैं किसानों की पहली पसंद, ऐसे ही नहीं बोला जाता छिब्र एग्री इक्विपमेंट्स को जी। जी सर, ये तो मैं ही नहीं कहूँगा, हर एक किसान कह सकता है, यहाँ के बराबर हमारे किसान भाइयों को जो है कृषि यंत्र कहीं पर भी नहीं मिले। चलो जी, धन्यवाद है, आपका प्यार है और मेरे भाई बहनों का आशीर्वाद है। उन लोगों की स्पेशल डिमांड के ऊपर हमने लॉन्च किया है मल्टी क्रॉप थ्रेशर, जैसे कि आपने गेहूं की थ्रेशिंग करनी है या उसके बाद आपकी कोई भी प्रकार की आपकी दालें हैं, मूंग है, सरसों है, सोयाबीन है जी, इसलिए इसको बोला जाता है मल्टी क्रॉप थ्रेशर। सीधा आपने ये हॉपर के अंदर आपने अपनी फसल को डालना है, और यहाँ से इसका आपका भूसा बाहर आएगा जी। ये कंप्लीट आपका भूसा, हमारे पंजाबी में तूड़ी बोला जाता है, वो आपका बाहर आ जाएगा। और नीचे एक ट्रे सिस्टम लगा होता है जी, बिल्कुल, जैसे आप इंजन चलाएंगे ना, 7 HP का 4-stroke इंजन है, और नीचे एक छन्ना लगा होता है जी, वाइब्रेटर टाइप का। इंजन कहाँ पर सेट होगा सर इसमें? यहाँ से एक स्टैंड होता है जी, स्टैंड के ऊपर इंजन फिट हो जाता है। अच्छा अच्छा, ये अभी कंप्लीट सेट नहीं है, अभी वो मैंने आपको दिखाया है, सिर्फ एक इंजन आपने फिट कर देना स्टैंड के ऊपर। अच्छा अच्छा, वो आप देने वाले हो? बिल्कुल जी, साथ में देंगे। पेट्रोल पे चलेगी ये मशीन जी, पेट्रोल इंजन के साथ। इसके अंदर भी जो इंजन यूज किया है वो 7 HP का है और 4-stroke है। अब बात करते हैं सर इसके प्रोडक्शन के बारे में, कि प्रोडक्शन क्या रहेगा सर? 600 किलो एक घंटे की प्रोडक्शन है इस मशीन की। अब बात करते हैं जो रूटर लगा हुआ है इसमें, जो रूटर में जो ब्लेड्स होते हैं कटिंग करने के, तो किस क्वालिटी के हैं? हैमर टाइप ब्लेड होते हैं इसके अंदर पुष्पेंद्र जी। तो अब बात करते हैं सर, जैसे भूसा वगैरह यहाँ से निकल जाएगा, तो जैसे क्या होता है कई बार हमें धान की, जैसे धान है या गेहूं है, कई बार जैसे कचड़ा वगैरह आता है, तो उसको साफ सफाई के लिए कुछ ऐसा उसके लिए है? नीचे उसके लिए ही हमने नीचे वाइब्रेटर ट्रे लगाई हुई है, मतलब साफ आएगा हमारा। तो अब बात करते हैं सर, बहुत ही शानदार आपकी थ्रेसर लगी, क्योंकि हमारे किसान भाइयों के काम, छोटे किसान भाइयों के काम आने वाली है। अब इसका प्रोडक्शन क्या बताया आपने सर? जो प्रोडक्शन है हमारी मल्टी क्रॉप थ्रेशर की वो 600 किलो है
प्रति घंटे की, और ट्रांसपोर्टेशन के पर्पज के हिसाब से हमने इसके नीचे टायर भी लगाए हैं कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो सर लेके जाना ही पड़ेगा, जब खेत घूमना है तो लेके जाना पड़ेगा सर। तो ट्रॉली वगैरह में किस में लगा के ले जानी, ट्रॉली के पीछे आप हुक लगा करके इसको लेके जा सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। जी जी, अब बात करते हैं सर इसकी प्राइस के बारे में और गारंटी वारंटी के बारे में। देखो, एक साल की फुल वारंटी है हमारी, जो इसका प्राइस है 55,000 रुपया है हमारा मल्टी क्रॉप थ्रेशर का 7 HP इंजन के साथ। मैं प्राइस एक बार दोबारा बोलना चाहूँगा, जो हमारा कॉर्न थ्रेशर है 2 HP इलेक्ट्रिक मोटर के साथ वो 24,000 रुपया है, और जो हमारा पैडी थ्रेशर है वो 45,000 का है, और जो हमारा मल्टी क्रॉप थ्रेशर है उसकी कीमत है 55,000 रुपया। इसको ऑनलाइन कैसे आप परचेस कर सकते हैं या पंजाब में कैसे आ सकते हैं, आपको वीनू मैडम सब कुछ बताएंगे। वीनू जी, आपका हमारे इंडियन एग्रीटेक गुरु चैनल में स्वागत है मैम। जी जी जी, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे कोटकपूरा शहर में चिब्बर इक्विपमेंट जी। तो मैम, अभी हमारे किसान भाइयों के जो किसान भाइयों को सेल्फ डिपेंड बनाने में आपका बहुत बड़ा हाथ है आपकी कंपनी का, तो आप थोड़ा सा हमारे किसान भाई इनको खरीदना चाहें तो वो किस माध्यम से खरीद सकते हैं मैडम, आप ये बताइए, कंपनी में आना पड़ेगा या कोई ऑनलाइन प्रोसीजर है। जी नमस्कार किसान दोस्तों, मेरा नाम है वीनू छिब्बर, मैं छिब्बर एग्री इक्विपमेंट से, हमारी कंपनी कोटकपूरा में है पंजाब में, बठिंडा से अगला स्टेशन। आपने जो आज हमारे यहाँ मशीनें देखी हैं, कॉर्न थ्रेशर देखा है, पैडी थ्रेशर और मल्टी क्रॉप थ्रेशर, अगर आप इन तीनों में से कोई भी मशीन लेना चाहते हैं उसके लिए आप हमारे जो देखिए, सबसे पहले मैं कहूँगी अगर आप यहाँ आ सकते हैं तो यहाँ पर आकर अपनी मशीन का ऑर्डर बुक कीजिए, अगर आप नहीं आ सकते हैं उसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया है तो उसके नंबर बोलना चाहूँगी 9855219706, 9814231007, ये हमारी कंपनी के नंबर हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कीजिए, आपको कॉल बैक आ जाएगी, आप हमारे कॉलिंग स्टाफ से बात कीजिए, जो मशीन आप चाहते हैं इन तीनों में से लेना आप उसके लिए पूरी जानकारी लीजिए और अपनी मशीन का ऑर्डर बुक कीजिए। तो मैम, बुकिंग का प्रोसेस क्या रहेगा, क्या प्राइस वगैरह पहले देनी होगी, बाद में क्या प्रोसेस रहेगा, थोड़ा सा बताएं। देखिए, जो हमारे आप देख रहे हैं कॉर्न थ्रेशर, इसके लिए मैं एक बात भी कहना चाहूँगी, अगर कोई भी जैसे स्मॉल स्केल में बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए देखिए, आप जो भुट्टा निकलता है, जो उसके जो दाने निकलते हैं उसकी प्रॉपर पैकेजिंग करके आप मार्केट में सेल कीजिए, काफ़ी अच्छे मुनाफा आप कमा सकते हैं। बिल्कुल मैडम, बहुत जगह पे कॉर्न है वो यूज में आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बात आजकल बच्चे बहुत पसंद करते हैं इन सब चीज़ों को, छोटे छोटे पैकेट बनाकर आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। आप जो कॉर्न थ्रेशर के लिए आप मात्र 5,000 रुपया हमारा कंपनी का जो करंट अकाउंट है उसमें आप जमा करवाइए, उसके बाद जो आप ये मशीन देख रहे हैं पैडी थ्रेशर, इसके लिए भी मात्र आपको 5,000 रुपया जमा करवाना है ऑनलाइन बुकिंग के लिए। हम अगली मशीन पर आते हैं मल्टी क्रॉप थ्रेशर, किसी भी तरह का दाना आप इसमें आप थ्रेश कर सकते हैं, उसके लिए सर आपको सिर्फ 10,000 रुपया हमारा कंपनी का जो करंट अकाउंट है उसमें आपको जमा करवाने हैं, बाकी का जो पेमेंट रह जाएगा जब मशीन आपके दिए हुए पते पर यहाँ से प्रॉपर लेबलिंग होकर डिस्पैच हो जाएगी तो हमारे कॉलिंग स्टाफ का आपको कॉल आ जाएगा, ट्रैकिंग स्टाफ का आपको कॉल आएगा, आप उनसे पूरी मशीन की जानकारी लीजिए कि आपकी मशीन आपके वहाँ पहुँच चुकी है, उसके बाद बाकी का जो पेमेंट रह गया है वो आप जमा करवाइए, आपकी DSCC कैंसिल हो जाएगी और आपको आपकी मशीन सुरक्षित घर पर मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, आपने जानकारी दी मेरे किसान भाइयों। मैं वैसे ही नहीं कहता कि जो ये छिब्बर एग्री इक्विपमेंट कंपनी है वो नए नए इनोवेशन समय समय पर करती रहती है, और सबसे बड़ा जो इनका उद्देश्य है, मेन उद्देश्य है, वो है छोटे किसानों को सेल्फ डिपेंड बनाना। तो मेरे किसान भाइयों, बहुत ही तरीके की यहाँ पे मशीनें आपको मिल जाएंगी, और आप इन मशीनों को ख़रीदना चाहते हैं और सेल्फ डिपेंड बनना चाहते हैं तो ज़रूर खरीदिए, स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, कॉल कीजिए, पूरी जानकारी लीजिए, जब संतुष्ट हो जाएं आप खरीद सकते हो। तो दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक लिए जय जवान जय किसान।